नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार अवैध संपत्तियों को सील करने, अवैध निर्माण को ढहाने और अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। HRDA की ओर से लगातार की जा रही इस कार्यवाही से बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी काटने और निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार जिलाधिकारी उपाध्यक्ष हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण विनय शंकर पांडे के आदेशों के क्रम में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार कई अवैध संपत्तियों को सील करने, अवैध निर्माण को ढहाने और अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर अवैध निर्माणों कॉलोनियों को सील करने की कार्यवाही की गई। सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि भविष्य में जो भी अवैध प्लांटिंग, अवैध निर्माण आदि में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ उसी तरह नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। हरिद्वार से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।